दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे इस बार चेस रिवीजन में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड रिवीजन, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इतने दिनों से 19 वीडियोस बना दिए हैं, तो शायद आप बीच में कुछ भूल गए होंगे, तो इसलिए आज हम सब रिवीजन करेंगे। दोस्तों दोस्तों थोड़ी चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, थोड़ी चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। दोस्तों जो भी हम लोग मैं बता दूं कि हम लोग को अभी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे फाइल्स कहते हैं। दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फाइल्स कहते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक कहते हैं। दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी के दोस्तों लेफ्ट में प्रेजेंट हूँ, तो दोस्तों इसलिए मेरी तरफ तो ये फाइल होगी, चाहे मैं उधर ही बैठा हूँ चाहे मैं इधर ही हूँ, तो और ये मेरे लिए रैंक होगी। तो दोस्तों आप अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दीजिए कि ये फाइल है और ये रैंक। तो दोस्तों ये थी हमारे फर्स्ट लेसन की रिवीजन। दोस्तों इसके आगे हम लोगों ने थोड़े इन पर्सन और इन परसेंट और नाइट फोक जैसे स्पेशल मूव्स भी सीखे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाइट फोक को तो मैं बोल के ही बता सकता हूँ। नाइट फोक में वो होता है जब दो पीसेस नाइट के अटैक में हो दोस्तों, चाहे वो किंग भी हो, किंग चेक में हो और उसका पीस, और फैमिली या रॉयल फोक तब होता है जब दो से ज्यादा पीसेस नाइट के अटैक में हो। तो दोस्तों ये था हमारा पहला नाइट फोक का, और इन पर्सन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। रूल्स और कंडीशंस आप तभी जाके देख लिए जे का दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा ये ऐसे प्लेस रहेगा। दोस्तों ये प्लेसिंग का मतलब क्या हो सकता है? दोस्तों मैं एक एक्स्ट्रा पॉन ले रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे उस बॉक्स में नहीं आया था, फिर भी दोस्तों मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ जिससे कि आप हर रोज देख पाओ। ये मैंने ट्रेनिंग पॉन नाम दिया इसको। तो दोस्तों हमेशा देखिए, वो एक पॉन है दोस्तों, प्लीज हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक पॉन या प्यादा है, क्योंकि दिखने में भी वो वैसा ही है। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए पोजीशन, क्योंकि ब्लैक पॉन्स आपको ज्यादातर दिखते नहीं है, ब्लैक का भी कोई भी पीस ज्यादातर आपको दिखते नहीं है, तो मैंने पॉन के लिए ये चूज किया है, लेकिन बाकी सब के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो दोस्तों इसलिए मैंने, अब आप इसी पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये है दो पीस, हमेशा वाइट को फिफ्थ रैंक पे होना चाहिए, और उसके जस्ट इस साइड और इस साइड का पॉन जस्ट टू मूव चलना चाहिए। तो वो इमिजिएटली कैप्चर कर सकता है अगर उसने ऐसे चल के ऐसे करने की कोशिश की, तो 0%, और वो भी अगर ऐसे से ऐसा है तो भी नहीं होगा दोस्तों, उसको इमिजिएटली ऐसे कैप्चर करना होगा। ये है हमारा इन पर्सन। और दोस्तों हम लोगों ने सेवन प्रिंसिपल्स किए थे दोस्तों, तो सेवन प्रिंसिपल्स क्या आप लोग करेंगे? नहीं दोस्तों, अभी हम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोगों ने पांच एलिमेंट्री चेकमेट सीखे थे? एलिमेंट्री चेकमेट विद टू रुक्स, एलिमेंट्री चेकमेट विद क्वीन, एलिमेंट्री चेकमेट विद वन रुक, और एलिमेंट्री चेकमेट विद बिशप्स, और एलिमेंट्री चेकमेट विद बिशप एंड नाइट। तो ये थे पांच हमारे एलिमेंट्री चेकमेट्स दोस्तों। दोस्तों ये पांच थे हमारे एलिमेंट्री चेकमेट। तो दोस्तों फिर हम थोड़े दिनों बाद इन ही, क्योंकि हमने पांच एलिमेंट्री चेकमेट बहुत बड़ा एक बहुत सारे वीडियोस लिए थे उसके लिए। तो अब दोस्तों कल की बात आते हैं, सेवन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद वो आपने पूरा किया हो, अच्छी बात है, और आप देख लिया होगा। तो दोस्तों हम सेवन प्रिंसिपल्स अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले किए हैं, आप सभी को पता होने चाहिए। दोस्तों ये थे हमारे इन दिनों के सारे, और कल ही हमने पिन सीखा था दोस्तों। आप पिन जानते हैं कि कैसे होता है? दो तरह के पिन होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दोस्तों बस मैं आपको पिन के टाइप्स ही बताऊंगा, कंडीशंस और उनको कैसे अप्लाई किया है मैंने, वो आप मेरे जस्ट पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या आप टाइप कर सकते हो ऊपर द चेस बेसिक लेसन 19। दोस्तों ये भी टाइप करने पे आपको मिल सकता है, या फिर मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, अगर आपने
ज्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है चेस बेसिक्स इन हिंदी। दोस्तों आप उसमें जाकर मेरे 19 के 19 वीडियोस देख सकते हैं और ये वीडियो मेरे चेस रिविजन का है। तो दोस्तों मैंने रिविजन के लिए भी आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पे जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।